हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज हम बनाने वाले हैं चॉकलेट चिप्स मफिन। आप सबने चॉकलेट चिप्स मफिन जरूर खाई होगी कभी ना कभी। जनरली हम इसे बाहर से खरीद के खाते हैं क्योंकि हमें लगता है ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही मेहनत वाला काम है। लेकिन जो तरीका आज मैं आपको बताने वाली हूँ, ये तरीका इतना आसान है कि आप अपने बच्चों की भी हेल्प ले सकते हैं और इस तरीके की वजह से आप बना सकते हैं सिर्फ 10 से 12 मिनट में चॉकलेट चिप मफिन। तो जरूर बनाइएगा, जरूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि कैसी बनी और कैसी आपको ये टेस्ट में लगी। तो चलिए चलते हैं किचन में। तो यहाँ पर हम चोको चिप्स मफिन बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 कप प्लेन फ्लावर यानी मैदा। फिर मैंने लिया है मिल्क, ये मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है 1 बोल। फिर मैंने लिया है सॉल्टेड बटर, ये भी रूम टेम्परेचर पर है। और फिर मैंने ली है चोको चिप्स, क्योंकि हम चोको चिप्स मफिन बना रहे हैं, हमें 1/2 बोल चोको चिप्स मफिन चाहिए। आपको अगर आप दिल्ली NCR में या फिर मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो आपको इजीली मिल जाएगी, नहीं तो मैं आपको लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिया है नेस्ले मिल्कमेड, ये मैंने लिया है मिल्कमेड, और या फिर आप अमूल का मिठाई मेड भी ले सकते हैं। और मैंने लिया है यहाँ पर ये कोकोआ पाउडर। फिर मैंने लिया है ये मीठा सोडा है, और इसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर ये बेकिंग पाउडर। तो हम इसे बनाने वाले हैं मोल्ड्स में नहीं, हम इसे बनाएंगे स्टील की कटोरियों में। तो ये मैंने कुछ स्टील की कटोरियाँ ली हैं, इन्हीं को हम ग्रीस करेंगे, इसी में ही बनाएंगे, और इसे हम बनाने वाले हैं स्टीमर में। तो हम जितने भी हमने ड्राई इंग्रेडिएंट्स लिए थे उन सबको हम सीव कर लेंगे एक बारी। तो मैं यहाँ पर सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें मिक्स कर रही हूँ और इसको हम एक बार इसमें सीव कर लेंगे। मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून मैंने कोकोआ पाउडर इसमें ले लिया है, और फिर मैं यहाँ पे ले रही हूँ, यहाँ पर मैं ले रही हूँ बस इतना सा मीठा सोडा। आप देख सकते हैं कितना छोटा स्पून है, जो हमारी मेजरिंग स्पून होती है उसमें सबसे छोटा वाला है। और उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ बेकिंग पाउडर, जितना हमने मीठा सोडा लिया था उससे थोड़ा सा ज़्यादा बस मुझे बेकिंग पाउडर लेना है। मीठे सोडे की आप क्वांटिटी कम ही रखिए, क्योंकि मीठा सोडा अगर ज़्यादा हो जाता है तो फिर उसका फ्लेवर अच्छा नहीं आता केक में। तो ये मैंने ये यहाँ पे डाल दिया। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बार सीव कर लेते हैं। तो हमने ड्राई इंग्रेडिएंट सारी सीव करके एक साथ रख ली है, अब हम तैयार करेंगे वेट इंग्रेडिएंट्स को। तो मैं सारी वेट इंग्रेडिएंट्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट कर लेती हूँ। ये मैंने लिया है मिल्क, इसको मैं मिल्क यहाँ पे ले रही हूँ। उसके बाद इसमें हम डाल देंगे बटर, आजकल विंटर है तो बटर भी देखिए किस तरह से ये पूरी तरह से जम गया है, बहुत ज़्यादा तो नहीं जमा है लेकिन ये थोड़ा सा सेमी सॉलिड हो गया है। उसके बाद मैं यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क ले रही हूँ, क्योंकि हम कंडेंस्ड मिल्क ले रहे हैं तो हमें इसमें शुगर की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप देख सकते हैं मेरा कंडेंस्ड मिल्क पूरा फुल था ऊपर तक, मैंने ऑलमोस्ट इसका 1/5 इसका साइज मैंने इस बोल में ले लिया है अपने मफिन्स बनाने के लिए। तो इतनी क्वांटिटी आप ले सकते हैं, थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकते हैं, अगर आपको मीठा ज्यादा चाहिए तो थोड़ा सा आप ज्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर फिर मैं इन सारी चीज़ों को एक बार मिक्स कर दूंगी। कोई बात नहीं, विंटर है, अगर आपके बटर थोड़ी सी जमी हुई है कोई दिक्कत नहीं है इससे। ये सारी चीज़ें लेटर ऑन जब हम इसमें ड्राई चीज़ें डालेंगे तो ये सारी चीज़ें एक साथ अच्छे से इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पर जो मैंने ऑयल लिया था ये भी मैं थोड़ा सा ही अभी डाल रही हूँ, क्योंकि हमने बटर भी इसमें लिया हुआ है तो थोड़ा सा ही हम इसमें डाल रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैं एक साथ एक अच्छा सा एक उसको मिक्स देती हूँ। आप देखिए ये सारी चीज़ें पूरी तरह से मिक्स हो गई हैं। अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए साइड में छोड़ दूंगी, और उससे पहले मफिन को हम इसमें मोल्ड्स में डालने से पहले हम स्टीमर अपना रेडी कर लेते हैं। तो मैं इसे साइड में रख रही हूँ और स्टीमर रेडी कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास ये स्टीमर कढ़ाई है, मैंने इसमें पानी डाल दिया हुआ है, ये पानी हीट अप होगा। और मेरे पास ये परफोरेटेड प्लेट है जो स्टीमर की तरह काम करेगा। अगर आपके पास ये परफोरेटेड प्लेट नहीं है इस तरीके का, या फिर आप मोमोज जिसमें बनाते हैं आप उसमें भी बना सकते हैं, नहीं है तो आप ये इडली मोल्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको कैसे इस्तेमाल करना है मैं आपको बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम ये स्टीमर में ये परफोरेटेड प्लेट अपनी डाल देते हैं जो हमारा स्टीमर की तरह काम करेगा। मैंने इसको उसमें रख दिया है एंड इसको मैं
अभी स्टीम आने तक मैं इस पानी को गर्म करूंगी। पानी मैंने डाल दिया है इसके अंदर एंड मैं इसको अब कवर कर लेती हूँ, ठीक है। और थोड़ी देर के लिए हम इसे छोड़ देंगे, ये 5 मिनट में इसमें स्टीम आना शुरू हो जाएगी। सो अब मैंने स्टीमर रख दिया है, लेकिन सारी ड्राई चीजें और वेट चीजों को मिक्स करने से पहले हम मोल्ड्स को ग्रीस कर लेते हैं, क्योंकि ड्राई चीजों में ऑलरेडी उसमें बेकिंग सोडा और बेकिंग मीठा सोडा पड़ा हुआ है, तो उसे हम तभी मिक्स करेंगे जब हम उसे बिल्कुल यूज करने के लिए अब हम रेडी हो गए। तो मैं इन मोल्ड्स को, जो कटोरी है बेसिकली, उनको हम ग्रीस कर लेते हैं बटर के साथ में। सबको ग्रीस कर लीजिए, अच्छे से ग्रीस करिए ताकि ये बिल्कुल भी ना चिपके और इजीली हमारे चॉकलेट चिप्स मफिन इसमें से बाहर निकल आए। देख सकते हैं मैंने पूरी तरीके से ग्रीस कर लिया है इसे। अब ये जो भी ड्राई चीजें थी हमारी, हम थोड़ा थोड़ा करके इसमें मिक्स करेंगे, एक साथ बिल्कुल भी मिक्स मत कीजिए। थोड़ा सा हम पहले इसको मिक्स करेंगे, इसको 2 या 3 बार में आपको मिक्स करना है, एक साथ कभी भी मत करिए। तो ये जितना भी मैंने, ये हमारी ड्राई चीजें थी, अब हम इसे एक साथ अब पूरा डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा करके मैंने 3 पार्ट्स में डाला है, आपको भी ऐसी 3 से 4 पार्ट्स में डालना है, वरना मफिन या केक का जो हमारा बैटर है ये पूरी तरह से खराब हो जाता है। इसे मैं आखिरी बार इसे बहुत अच्छे से मिक्स करूंगी, आपको मिक्सिंग करने में थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत थोड़ी सी, ज्यादा नहीं। एक्चुअली ये बहुत ही आसान और इंजॉइंग काम होता है, मुझे जो लगता है। आपकी एक अच्छी एक्सरसाइज भी हो जाती है हैंड्स की। और अब ये देखिए सारा कुछ मिक्स हो गया है और इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल ग्लेज्ड बैटर रेडी हो गया है, सब कुछ बटर ऑयल जो कुछ भी हमने इसमें डाला था वो सारा कुछ इसमें कितनी अच्छी तरीके से मिक्स हो गया है। बिल्कुल इसी तरीके का बैटर आपको रेडी करना है। नाउ इट्स टाइम टू ऐड चोको चिप्स, एवरीवन लव चोको चिप्स। तो मैं इसके अंदर थोड़े से चोको चिप्स अभी डाल रही हूँ, थोड़े से जब हमारे मफिन्स जाएंगे कटोरियों के अंदर तो ऊपर से भी हम इसे डालेंगे, बच्चों को अच्छा लगता है। आप बच्चों को ये मिक्सिंग का काम दे सकते हैं, एक्चुअली दे इंजॉय। तो ये सारी चीजें जिसमें हमने चोको चिप्स भी मिक्स की हैं, ये हमारा मफिन का जो बैटर है, अब इसे हम कटोरियों के अंदर डाल लेते हैं। कटोरियों को आपको पूरा फिल नहीं करना है, आधे से थोड़ा सा ज्यादा फिल कर सकते हैं, क्योंकि ये मफिन है, ये पकने के बाद ये साइज में बड़े होते हैं, ये फूलते हैं, ठीक है। तो मैं इसमें थोड़ा सा इसको डाल रही हूँ, छोटी भी कटोरी मैंने ली है आपके लिए, सो दैट आई कैन शो यू कि यू। तो यहाँ पर मैंने सारे इसमें जो हमारी मफिन कटोरियाँ थी, सॉरी मफिन मोल्ड भी आप इसको बोल सकते हैं, सारा बैटर इसमें डाल दिया हुआ है मफिन का। और ये मेरा पूरा बैटर ऑलमोस्ट पूरा खत्म ही है बेसिकली। और थोड़े से चोको चिप्स, फॉर द चोको चिप्स लवर्स, मैं इसमें एक्स्ट्रा चोको चिप्स भी डाल रही हूँ टू मेक इट मोर चोकोलिशियस। यहाँ पर हमारा स्टीमर भी रेडी हो गया, आप देख सकते हैं स्टीम कितनी ज्यादा इसमें से निकल रही है। टाइम टू पुट आवर मफिन कटोरीज इनटू दिस एंड लेट्स वेट फॉर 10 to 12 मिनट्स। मैं इसको कवर कर रही हूँ, हीट को आप मीडियम टू हाई रखेंगे, कम हीट नहीं रखनी है। ऐसे मैं मीडियम टू हाई हीट पे रख रही हूँ और इसको मैं कवर कर दे रही हूँ 10 से 12 मिनट के लिए। बीच में एक बार हम चेक करेंगे, 10 से 12 मिनट बाद इसे हम एक बार चेक करेंगे कि ये कितना हुआ है। अगर हमें लगता है कि थोड़ा सा टाइम और चाहिए तो 2-3 मिनट टाइम हम और देंगे। सो लेट्स वेट। सो अब चेक कर लेते हैं, 10 से 12 मिनट हो चुके हैं, चेक कर लेते हैं हमारे मफिन्स रेडी हुए या नहीं। ये देख सकते हैं आप, ये मफिन्स ऊपर तक आ चुके हैं, ये फूल करके ऊपर तक आ चुके हैं। अगर आप इसमें टूथपिक डाल के चेक करेंगे तो वो नहीं आप चेक कर पाएंगे, आपको कन्फ्यूजन होगी क्योंकि इसमें चोको चिप्स है, चोको चिप्स मेल्ट होगी तो आप, अगर वो टूथपिक में लगती है तो आपको लगेगा वो रेडी नहीं हुआ है। इसका एक तरीका है इसको पता लगाने का, अगर आप ये मफिन यहाँ पर आप निकाल के इसे चेक करेंगे तो इसने अपने साइड्स यहाँ से छोड़ दिए हैं, आप देख सकते हैं ये साइड्स यहाँ से मफिन ने अपने साइड्स को लीव कर दिया है, इसका मतलब ये पूरी तरह से अब रेडी हो गया। हम तीनों मफिन्स को निकाल लेते हैं और थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे ताकि ये ठंडे हो जाए और उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे।
अब देखिए इसे हम डीमोल्ड कर लेते हैं। आप देखिए इतने अपने साइड्स कितने अच्छे से इसे लीव कर दिया है और कितनी आसानी से ये बिना चाकू या बिना स्पून लगाए ये बिल्कुल हाथ से ही निकल जा रहा है। कटोरी आप देख सकते हैं कितनी क्लीन है। ऐसी हम दूसरी मोल्ड्स भी इसको ऐसे ही निकाल लेंगे, दूसरी मफिन्स को भी हम। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल गया है और ये बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे बने हैं। और मैं आपको जो तरीका इडली मोल्ड में बताने वाली थी वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपके पास अगर इडली मोल्ड है और आपके पास अगर स्टीमर नहीं है तो इसमें भी आप इन कटोरियों को इस तरीके से रख करके और इनके ऊपर भी आप ये जो साइड में जैसे हम इडली बनाते हैं वैसी ये इडली की जो स्टीम जैसे इडली स्टीम से पकती है वैसी ये भी हमारे जो मफिन है वो भी इसी सेम मेथड से हम इस इडली मोल्ड में इन कटोरियों के साथ में बना सकते हैं। सो आप अब ये फाइनल रिजल्ट देखिए कि कितने बढ़िया सिर्फ हमने स्टीमर में बनाए हैं, ये सिर्फ हमने पानी से इन मफिन्स को बनाया है और ये कितने अच्छे बने हैं और कितनी आसानी से ये कटोरियों से सेपरेट हो गए हैं। मैं आपको इसको एक बार कट करके भी दिखाती हूँ कि कितने मॉइस्ट बने हैं। तो यहाँ पर मैं आप देख सकते हैं मैं इनको कट करके भी आपको दिखाती हूँ कि कितने सॉफ्ट स्पंजी बने हैं। ये देखिए ये कितने स्पंजी बने हैं। आप इन इस मफिन को देख सकते हैं, आप इसका टेक्सचर देख सकते हैं। ये मार्केट से कहीं गुना ज़्यादा अच्छी फ्रेश और कितनी जल्दी बनी है। इन मफिन्स को आप ज़रूर बनाइए और ज़रूर अपनी फैमिली के साथ इस क्रिसमस पे ये बनाइए, अपने बच्चों को खिलाइए और सेलिब्रेट कीजिए क्रिसमस लाइक नेवर बिफोर। मैरी क्रिसमस।